हाँ तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं KGF देखने के लिए। बहुत दिन से इसका हम लोग जाने वाले थे लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनल टिकट मिलेगा, तो अभी निकलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग जिस टाइम का शो के लिए आए थे वो टाइम तो हम लोग को मिला नहीं, हम लोग मिला है आफ्टरनून वाला 12 बजे वाला टाइम मिला है। तो आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ बहुत भयानक आ रहा है वहाँ तक यार। ये होती है यार असली हीरो वाली एंट्री। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए KGF देखने के लिए बहुत दिन से इसका हम लोग जाने वाले थे लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनल टिकट मिलेगा, तो अभी निकलते हैं आगे। हाँ है रास्ता में, तो आदेश गया था ATM पैसा लाने के लिए। पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। ATM में बता रहा है नो सिग्नल। तो बताइए गाइस आप लोग के साइड में कैसे ATM कैसा काम करता है? हमारे और तो ऐसे ही चलता है। आदेश चला रहा है बाइक, हमें बैठा हूँ आराम से, निकलते हिलते डुलते वहाँ पे। रोकी भाई का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। मूवी देखना हम लोग को वहाँ पे टू कितने देखे नहीं हम लोग, टिकट नहीं मिला था भाई, टिकट नहीं मिला। इतना ज़्यादा हिल रहा है, इतना खराब है, चेन आवाज खराब है। हम लोग बहुत सारे मतलब खराब रास्ते के बाद अभी हम लोग मेन रोड पहुंच गए हैं। रहा ऊपर में ओवरब्रिज, हम लोग नीचे से भी क्रॉस हो गए। मेन रोड पहुंचने के बाद आधे से ऊपर बाइक मोड़े जा रहा है। गाइस मस्त गर्मा गर्म एक जगह में नाश्ता मिल गया हम लोग को, ठेले में हम लोगों ने खा लिया, इडली बनाया सब कुछ खा लिया, टेस्ट बहुत बढ़िया था। हम लोग जगह का नाम है भद्रासाई, ओवरब्रिज के नीचे। बस खाते खाते कभी ओवरब्रिज गिर जाए तो हम लोग का हम लोग आपको अपना ओवरब्रिज में खाना है, नाइट में खाना वहाँ डिसाइड कीजिए, लेकिन आपको नाश्ता मिलेगा ओवरब्रिज के नीचे। गाइस अभी हम लोग थिएटर के सामने पहुंच गए हैं। इस वाले थिएटर में थोड़ा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है क्योंकि इसको ये पहले था रवि सन्स ऑफ मॉल्स, ये मॉल था। आगे से कुछ सुना है सर, हमने बाइक को पार्क कर दिया है, बस अभी निकलते हैं। गाइस जो खुशी हो रही है ना मूवी के लिए, हो रहा लगा है हमारा KGF 2 का पोस्टर। ये पहले मॉल था गाइस, ये अभी टूट गया, से कुछ बन रहा है शायद नया, तो इसलिए अभी लेकिन थिएटर अंदर में चालू है ऊपर में। गाइस हम लोग जो है 3-4 दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन टिकट तो नहीं मिल पा रहा था, फाइनली आ गए हैं देखने के लिए।
तो अभी मूवी थिएटर में घुसते हैं, देखते हैं कैसा लगता है मूवी, फिर आप लोगों को बताते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि एक्चुअली में मूवी है कैसा। तो गाइस हम लोग आ गए अभी लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट में हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर, 3 नंबर पहुंच गए हैं, बस 3 नंबर में खुला। अरे मोंटू भाई, मूवी के टाइमिंग देखते हुए कब कब है? कब कब है ब्रो? 12 बजे है, उसके बाद हमारा 6 बजे है, फिर 9 बजे है, फिर रात का 12 बजे भी है। हमारा मूवी बंद नहीं होना है, मूवी चलते रहना है। तो गाइस हम लोग जिस टाइम के शो के लिए आए थे वो टाइम तो हम लोग को मिला नहीं, हम लोग मिला है आफ्टरनून वाला, 12 बजे वाला टाइम मिला है। तो आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ बहुत भयानक आ रहा है बाहर तक यार। थिएटर के अंदर से जो आवाज़ आ रहा है, लग रहा है कि रॉकी भाई की एंट्री हो गई है। तो हम लोग भी बेस्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं यार देखने के लिए। जब मार उनके घुस जाएंगे जैसे लग रहा है उसको देखने के। पूरा गर्मी में लगभग आदेश जी हमारे ठंडा पी रहे हैं, साथ में मैं भी। गाइस हम लोग मूवी थिएटर के बाहर बैठे हैं, यहाँ पर कुछ गन वगैरह देखिए थोड़ा। क्या हाँ क्या नाम है इसका, इसमें मूवी में संजय दत्त का अधीरा, ये शायद अधीरा का गन लोगों ने ओरिजिनल मांग के रख लिया। गाइस अंदर से जो आवाज आ रहा है ना भाई, वो क्या ही कहें, और बार बार जाने का दिल कर रहा है। मेरे इधर सो गया है वेट किए हुए कब खत्म हो निकले, हम लोग का सब चालू हो। गाइस अभी जब सभी लोग निकल रहे हैं, मतलब अभी शो खत्म हो गया, अभी हमारा बारी है यार, हम देखने जाएंगे अभी शो हमारे लिए। भीड़ देखें गाइस, अब हमारा टाइम है आफ्टरनून का टाइम है, अभी हम लोग उसे तो भाई घुसने क्या मूवी नहीं देखना है क्या? इधर बगल में रेस्टोरेंट भी है गाइस, अगर आप लोग आके चाहेंगे तो खा भी सकते हैं यहाँ पर आके। गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है मूवी देखने के लिए, अभी हमारा ही टाइम है, बस शो का टाइम है, लेकिन जल्दी से गेट खुलने रहे, जल्दी से 12 बज नहीं रहे यार, इसी से हमें घुसना है। ले अभी हम लोग एंट्री हो रहा है गाइस, गाइस अभी थिएटर में तो बैठ गए हैं लेकिन अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुआ है भाई। बहुत ही उतावले हैं कि रॉकी भाई का एंट्री देख ले यार। गाइस फाइनली मूवी स्टार्ट हो गई है, मजा आ रहा है यार, अब तो इंट्रो है, अब हमारे रॉकी भाई बच्चे हैं और मूवी स्टार्ट हो चुकी है यार। तो गाइस फाइनली रॉकी भाई की एंट्री हो चुकी है यार। होती है यार असली हीरो वाली एंट्री। एक सलाह देता हूं, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना सर। एंट्री जबरदस्त है भाई। क्या कर रहे हो, जब देखो रॉकी 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 दिमाग खराब कर दिया, देख लो यहाँ से। अभी अभी आई ना, उसे कुछ नहीं पता, आ जा। बड़ी माँ बड़ी, ये वाला सीन मेरा फेवरेट है भाई, बड़े बाप।
तो कुआ जी रोकी भाई मर गए। गाइस लिटरली फिल्म बहुत मजा आया, बहुत मस्ती लगा, लेकिन यार रोकी भाई और हमारे दुनिया में नहीं रहे यार। मूवी में एक ट्विस्ट अच्छा नहीं लगा गाइस। गाइस लिटरली मूवी बहुत मस्त था, बहुत जबरदस्त। सभी भाई लोगों को बस एक ही बात बताऊंगा कि कोई भी जाके टेलीग्राम से मूवी ना देखें, मूवी थिएटर में आके देखें, पैसा वसूल मूवी है यार। है कहाँ जा रहा है भाई? भाई थिएटर में आके देखें तभी तो रॉकी भाई का कुछ कलेक्शन आएगा यार। लिटरली यार दिल खुश हो गया यार मूवी देख के। मूवी खत्म, पैसा हजम यार, एक नंबर मूवी था भाई। निकलते घर की ओर, धूप बहुत जोरदार है। हाँ तो गाइस कल हम लोग कुछ आदित्य के घर जाने के कारण हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो आज भी हम लोग जा रहे घर, हमारे घर जा रहे आदित्य के साथ। बहुत धूप है, धूप बहुत जोरदार है। हम लोग एक शॉर्टकट ले लिए, शॉर्टकट से जा रहे, रास्ता ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस कल मूवी देखने के बाद सिर्फ मन में एक ही ख्याल आ रहा है, जहाँ भी कुछ साइलेंट आवाज़ सुनने के बाद सिर्फ एक ही डायलॉग याद आ रहा है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। रॉकी भाई का पूरा कलेजा कलेजा में अंदर अंदर तक रख रख में समा गया यार उसका डायलॉग पूरा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।